हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में, संगीता जी की किचन में। दोस्तों, आज हम कुछ नया रेसिपी बनाएंगे, तो ये वीडियो पर आप लोग बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं। ये 1 केजी चावल, अरवा चावल हम ले लिए हैं हिलसा बनाने के लिए। हिलसा आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो 1 किलो अरवा चावल को हम फूलने के लिए डाल देंगे। ये 4 से 5 घंटा तक में अच्छी तरह से फूल जाएगी, उसके बाद हम अगले प्रोसेस के लिए तैयारी करेंगे। तो चलिए इसको हम फूलने के लिए डाल देते हैं। हम पानी डाल दिए हैं, इसको 2 पानी से धो दिए हैं। इसको हम ओवरनाइट के लिए फूलने के लिए छोड़ देते हैं। इसको हम सुबह में देखेंगे अच्छी तरह से फूल जाएगी। तो इसको हम जार में पीस के हिलसा बनाएंगे। तो इसको रख देते हैं फूलने के लिए। तो फ्रेंड्स, अच्छी तरह से चावल फूल चुकी है। इसको ओवरनाइट हम फुलाए हैं पूरी रात। तो देखिए, ये चावल फूल के तैयार हो चुकी है। इसको हम एक छन्नी में छान लेंगे, उसके बाद हम इसको 1 से 2 घंटा तक हवा में सूखने के लिए छोड़ देंगे, ठंडा हवा में। इसको धूप में नहीं सुखाना है। तो चलिए इसको हम छान लेते हैं। छानने के बाद हम इसको एक बर्तन में रख देंगे सूखने के लिए। तो देखिए, चावल को हम अच्छी तरह से छन्नी में छान लिए हैं। इसका पानी गल चुकी है। इसको कुछ देर हम सुखाएंगे हवा में, उसके बाद हम इसको ग्राइंडर में इसको हम पीस लेंगे। ना इसका आटा मोटा रखना है ना पतला। तो देखिए, चावल को हम ग्राइंडर में पीस लिए हैं, इसको मेही करके पीस लिए हैं। ऐसे करके हिलसा बनाइए तो बहुत ही अच्छी बनती है हिलसा। तो चावल को हम 1 घंटे तक एक बर्तन में छोड़ के हम उसको हवा लगने के लिए छोड़ दिए थे। वो अच्छी तरह से उसका पानी सूख चुका था, उसके बाद हम इसको ग्राइंडर में पीस लिए हैं। तो चलिए हम गुड़ का पाक डाल देते हैं हिलसा बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें हम 250 ग्राम के करीब पानी डाले हैं, मतलब 1 पाव। इसमें हम गुड़ डालेंगे 500 ग्राम, और 500 ग्राम हम चावल ले लिए थे। तो देखिए, हम इसमें पानी डाल दिए हैं, इसमें हम गुड़ डाल देते हैं। तो इसमें हम गुड़ डाल दिए हैं, 500 ग्राम गुड़ डाले हैं। तो इसको हम अच्छी तरह से पिघलने देते हैं। जब इसका पाक अच्छी तरह से हो जाएगी, उसके बाद हम इसमें चावल का आटा डालेंगे हिलसा बनाने के लिए। तो इसको हम चला लेते हैं, ये धीरे धीरे खुद ब खुद पिघल जाएगी। गुड़ का पाक हो चुका है, इसमें हम चावल का आटा डाल देंगे। ये हल्का 1-2 तार छूटेगा, उसी समय हम आटा डाल देंगे। तो आटा हम डाल देते हैं, ये देखिए, और इसको हम चलाते रहेंगे अच्छी तरह से, जो गुठलिया नहीं बंधे। तो इसको चलाते रहेंगे इस तरह से। तो इसको इस तरह से मिला लेंगे, धीमी आंच पे हम इसको मिलाएंगे और कुछ देर पकाएंगे, उसके बाद हम इसको नीचे उतार लेंगे। तो इसमें गुठलियाँ नहीं होना चाहिए, इसको बारीक से चलाना चाहिए। और चला के इसको 5-10 मिनट तक और पकाएंगे, उसके बाद हम इसको नीचे उतार लेंगे। तो इसको हम नीचे उतार लिए हैं, और एक थाली में हम इसको निकाल लेंगे और कुछ देर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो देखिए, इसको हम थाली में निकाल लिए हैं, चावल का आटा जो हम गुड़ का पाक में बनाए थे उसको। इसको हम 10 से 15 मिनट तक ठंडा होने देते हैं, उसके बाद हम इसको तेल में फ्राई करेंगे, हिलसा बनाएंगे। तो ये बिहार में फेमस है हिलसा। तो एक हम कढ़ाई ले लिए हैं, कढ़ाई को हम गर्म होने के लिए रख दिए हैं। इसमें हम फॉर्चून ऑयल डालेंगे हिलसा फ्राई करने के लिए। तो ये तेल को हम गरम होने देते हैं, उसके बाद हम इसमें फ्राई करेंगे हिलसा। तो तेल गरम हो चुकी है, इसमें हम हिलसा फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए, इस तरह से हम हिलसा बनाएंगे।
तो इसको हम एक एक करके पलट लेंगे। देखिए ये हर साइज में बना हुआ है, लंबा है, गोल है, तो इस तरह से हिलसा बनाइए, खाने में बहुत ही अच्छी लगेगी। देखिए ये थोड़ा ज़्यादा लाल हो गया है, तो देखिए हिलसा को हम पलट लिए हैं। देखिए हिलसा का कलर कितना सुंदर लग रहा है, ये ठंडा होने के बाद कुरकुरा और क्रिस्पी जैसा लगता है खाने में। तो इसको हम बाहर निकाल के दिखलाते हैं आपको। इसी तरह से हम दूसरा ट्रिप भी डाल दिए हैं, तो इसको भी हम उसी तरह से लाल करके फ्राई करके हम निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स ये रेसिपी ज़रूर बना करके देखिए, बहुत पसंद आएगी। ठंड के मौसम में तो गर्मा गर्म कोई भी चीज़ का पकौड़ा खाइए तो बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो चलिए इसी तरह से हम उस ये वाला पकौड़ा को भी हम निकाल लेते हैं, हिलसा को। तो इसको हम पलट लिए हैं, इसको भी हम लाल करके निकाल लेंगे। छन्नी में हम छान लिए इसको, इसका तेल गर जाएगा, उसके बाद हम इसको बाहर निकाल लेंगे। तो देखिए सभी हिलसा को हम छान के निकाल लिए हैं, इसका कलर कितना सुंदर आया है। तो इसी तरह से आप लोग भी हिलसा बना के देखिए, बहुत पसंद आए। ये बिहार का फेमस डिश है, ये बिहार में बहुत लोग बना के खाते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।